गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश 1 यूनिट 1 स्टोरी द लिटिल पिग्स। टुडेज ऑल ऑफ यू राइट हियर, टुडेज डेट 15/7/2020। ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट? ओके, लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? थ्री लिटिल पिग्स के बारे में। एक का नाम सोनू, एक का मोनू एंड एक का गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू किसके हाउस में रहता था? स्ट्रॉ से बने हुए हाउस में। स्ट्रॉ मीन्स जो सूखी सूखी एकदम पतली पतली सी लकड़ियाँ होती है ना, जिससे बर्ड्स जो होती है वो अपना नेस्ट बनाती है, चिड़ियाओं का घोंसला जिससे वो बनाती है, उसे कहते हैं स्ट्रॉ। तो सोनू बांस की, बांस मतलब सोनू उनकी लकड़ियों के बने हुए हाउस में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो है वो भी लकड़ियों के हाउस में रहता था, लेकिन उसकी लकड़ियाँ थोड़ी मोटी होती थी, जिसे स्टिक कहा जाता है। ओके, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू किसके हाउस में रहता था? ब्रिक्स के हाउस में, मीन्स ईंटों से बने हुए घर में। ओके, उसका हाउस जो था वो किससे बना हुआ था? ईंट। ब्रिक्स मीन्स क्या होता है? ईंट। ओके, वन डे अ बिग बैड वॉल्फ कम एंड सोनूज हाउस। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वॉल्फ, है ना, बहुत बड़ा वॉल्फ आया कहाँ पर? सोनू के घर के पास। ही सेड I will huff and I will puff and I will blow your house down। मतलब वो कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा हफ हूँ, मतलब ताकतवर हूँ, बहुत ज़्यादा पफ हूँ, स्ट्रांग हूँ, और मैं एक फूंक मारूंगा तो तुम्हारा घर उड़ जाएगा, तुम्हारा घर गिर जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। तो उसने फूंक कितना जोर से मारा, एकदम कस करके इतनी जोर से फूंक मारा कि जो उसका घर था वो नीचे गिर गया, है ना। सोनू रन टू मोनूज हाउस। द वुल्फ कम टू मोनूज हाउस। ही सेड विल आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो सोनू जो था वो मोनू के घर की तरफ भागा, तो जो वुल्फ था वो भी मोनू के घर गया एंड कहने लगा आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वो फिर उससे कहा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं एक बहुत जोर की फूंक मारूंगा तो तुम्हारा घर भी नीचे गिर जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन। तो फिर उसने एकदम कस कर कितनी जोर की फूंक मारी कि जो मोनू का घर था वो भी कहाँ, नीचे गिर गया। नाउ सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। तो फिर सोनू और मोनू दोनों कहाँ गए? गोनू के घर की तरफ गए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। जो वुल्फ था वो भी उसके पीछे पीछे कहाँ पर आया? गोनू के हाउस आया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो उसने वहाँ पर भी उनसे यही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the bricks house down. तो फिर उसने बहुत ज़ोर से ताकत लगाई, फूंक मारा, लेकिन फिर भी जो ब्रिक्स का बना हुआ घर था वो नीचे नहीं गिरा। It was very strong, क्योंकि जो ब्रिक्स के बने हुए घर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा strong होते हैं। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red bricks house. तो फिर जब वो घर नहीं गिरा तो जो वुल्फ था वो वहाँ से चला गया, और उसके बाद में सोनू मोनू एंड गोनू वो तीनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। ओके,